हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करेंगे क्लास फिफ्थ का चैप्टर नंबर 2, जो कि है नेवर क्वारल ईच अदर। ठीक है, यानी कभी भी एक दूसरे से ना लड़ें। सतीश एंड श्वेता वर ब्रदर एंड सिस्टर। सतीश और श्वेता जो थे वो दोनों बहन भाई थे। दे लव्ड ईच अदर वेरी मच। वे दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। बट दे ऑलवेज कैप्ट ऑन आर्ग्यूइंग विथ ईच अदर। लेकिन एक दूसरे से आर्ग्यूइंग मतलब होता है बहस। वो एक दूसरे से बहस बहुत ज्यादा किया करते थे। देयर आर्ग्यूमेंट्स ऑलवेज एंडेड विथ फाइटिंग। उन दोनों की जो आर्ग्यूमेंट थी वो सिर्फ और सिर्फ फाइटिंग पर जाकर खत्म हो जाती थी। यानी कि वो आखिर में लड़ लिया करते थे, बहस करते करते लड़ लिया करते थे। If you see them quarreling, you would say that they were not brother and sister. अगर आप जब आप उनको लड़ते हुए देख लेंगे तो आप ये नहीं कह सकते कि ये दोनों भाई बहन हैं। One day they were near the river. एक दिन की बात है जब ये दोनों रिवर के पास गए थे, नदी के पास थे। I did not want to play here. मैं यहाँ नहीं खेल सकता। मैं यहाँ खेल नहीं सकती, said श्वेता। श्वेता बोली, I wanted to go that park. मैं चाहती हूँ कि मैं पार्क में खेलूँ। But you always do what you like. पर तुम वही करते हो जो तुम्हें पसंद है। You never do what I like. तुम वो नहीं करते जो मुझे पसंद है। You are so ungrateful. तुम अपने ही मर्जी की करते हो। Even today, you requested me to visit the riverside. जबकि आज भी तुमने मुझसे ये बोला कि आज चलो रिवर के साइड, नदी किनारे चलते हैं। When you are here, you do not like to play here. जब तुम इधर हो तब तुम खेल नहीं रहे हो। Oh, you are the most selfish girl. तुम बहुत ही ज़्यादा selfish लड़की हो, said सतीश। श्वेता was to say something, but she could not complete her sentence. श्वेता जो थे वो कुछ कहना चाह ही रही थी, लेकिन वो अपना सेंटेंस कंप्लीट नहीं करने देती थी। उससे पहले ही सतीश बोल दिया करता था। शी हैड सीन समथिंग मूविंग ऑन द ग्रास। उन दोनों ने देखा कि कुछ ग्रास के अंदर कोई चल रहा है। शी कॉट इट क्विकली। उसने तुरंत उसे पकड़ लिया। इट वॉज अ लिटिल फेरी। ये एक छोटी सी परी है, एज बिग एज रैट, और सिर्फ रैट के जितनी बड़ी है। लुक, देखो, आई हैव कॉट अ लिटिल फेरी। देखो, मैंने एक लिटिल फेरी पकड़ी है, श्वेता सेड टू सतीश। श्वेता सतीश से बोली, लेट मी गो, चलो चलते हैं। प्लीडेड द फेरी, प्लीज डोंट हर्ट मी। प्लीज मुझे, मतलब फेरी जो है वो उनसे रिक्वेस्ट करने लगी, प्लीज मुझे चोट मत पहुंचाओ। श्वेता, डोंट लेट हर गो, सैड सतीश। सतीश बोला, इसे मत जाने दो। मेक हर फुलफिल आर थ्री विशेज। वो क्या करेगी, वो तीन विशेज पूरे करेगी। श्वेता सैड, फर्स्ट फुलफिल आर थ्री विशेज एंड आई विल लेट यू गो। श्वेता बोली, पहले तुम हमारी तीन विशेज को कंप्लीट करो, तभी हम तुम्हें जाने देंगे। आई विल फुलफिल योर थ्री विशेज। मैं तुम्हारी तीन विशेज पूरी कर दूंगी, सेड द फेरी। फेरी बोली, बट दे वुड नॉट डू यू डू एनी गुड। पर उनमें से कुछ कोई अच्छी होनी नहीं चाहिए। चिल्ड्रन लाइक यू कांट विश फॉर द गुड थिंग। चिल्ड्रन बोले कि हमें हमारी एक अच्छी विश नहीं चाहिए। बट आई विल फुलफिल थ्री विशेज इफ यू वॉन्ट। बट मैं तुम्हारी वो तीन विशेज पूरी कर सकती हूँ जो तुम चाहते हो। नाउ वॉट शैल वी विश, आस्क्ड सतीश। अब क्या है, अब कौन सी विश है, सतीश बोला। आई थिंक वी शुड विश फॉर आर पर्सनल एरोप्लेन। हम चाहते हैं, हमें चाहिए कि हमारा खुद का एरोप्लेन हो। वी विल गो अराउंड द वर्ल्ड। हम पूरे वर्ल्ड को घूम सके। नो आई डोंट वॉन्ट योर कंपनी इन द एरोप्लेन। नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी एरोप्लेन में, श्वेता बोली। वी शुड नॉट विश फॉर एन एरोप्लेन। नहीं, हमें एरोप्लेन नहीं चाहिए, हमें एरोप्लेन की विश नहीं चाहिए। दे स्टार्टेड आर्ग्यूइंग देयर एंड देयर आर्ग्यूमेंट कन्वर्टेड इनटू अ क्वारल। दोनों ने आर्ग्यूइंग करना स्टार्ट कर दिया, बहस करना स्टार्ट कर दिया,
और आखिर तब में दोनों का आर्गुमेंट लड़ाई में बदल गया। Meanwhile, सतीश wished, I wish I had a plane to fly. आखिर में सतीश बोला, मेरी ये विश है कि मुझे प्लेन को फ्लाई करना है। At once, a little aeroplane appeared and landed near the two children. आखिर में छोटा सा एरोप्लेन वहां पर आया और दोनों चिल्ड्रन के पास आके लैंड हो गया। सतीश वॉज वेरी एक्साइटेड। सतीश जो था बहुत ज्यादा एक्साइटेड, खुश हुआ टू सी द एरोप्लेन, एरोप्लेन को देख के। He runs towards the aeroplane and got into it. But Shweta was very angry. वो सीधा एरोप्लेन की तरफ भागा और उसके अंदर जाने लगा। पर श्वेता बहुत ज्यादा गुस्सा हो रही थी। You are bad boy. तुम बहुत गंदे लड़के हो, श्वेता बोली। You have wasted a wish like this. तुमने अपनी एक विश वेस्ट कर दी ये फालतू की चीज करके। She was so angry. वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो रही थी that she tried to pull Satish out of the plane. और उसको प्लेन से बाहर खींच रही थी। आई हेट यू, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। सो मच, बहुत ज्यादा। दैट आई विश यू टू बी माइल्स अवे फ्रॉम मी, तुम मुझसे बहुत ज्यादा दूर चले जाओ। एज सून एज शी सैड सो द प्लेन स्टार्टेड अप। ऐसे ही सुनने के बाद प्लेन जो है वो वहां से उड़ गया। सतीश ड्रैग्ड हर इन द एंड एरोप्लेन फ्लू ऑफ। और सतीश उसी में बैठा था और उसी में लटकता हुआ वो वापस चला गया। यू फुलिश गर्ल सैड सतीश, तुम बहुत ज्यादा मूर्ख लड़की हो, सतीश बोला। द सैड सेकेंड विश हैज बीन वेस्टेड बिकॉज ऑफ योर एंगर। देखो सेकेंड विश जो है वो चली गई क्योंकि तुम्हारा एंगर, गुस्से की वजह से। ओनली गॉड नोज वेयर वी विल लैंड। सिर्फ गॉड ही जानता है कि अब हम कहां पर उतरेंगे। दे फ्लू इन द एयर, वो एयर के अंदर ही उड़ते रहे। आफ्टर हार्स ऑफ फ्लाइंग द प्लेन लैंडेड नियर द डेंस फॉरेस्ट। वो बहुत ही ज्यादा कई घंटों तक वो हवा में उड़ते रहे और फ्लाई करते रहे और आखिर के अंदर वो डेंस घने फॉरेस्ट के अंदर जाके रुके। घने फॉरेस्ट में जाकर रुके। दे केम आउट ऑफ द एरोप्लेन एंड दे कुड नॉट सी एनीथिंग। उन्होंने वो एरोप्लेन से बाहर निकले और उन्हें कुछ नहीं दिखाई दे रहा था एक्सेप्ट फॉरेस्ट, सिर्फ फॉरेस्ट के सिवा, सिर्फ जंगल के सिवा। दे वर फीलिंग हंगरी, उन्हें बहुत ज्यादा तेज भूख लगी थी। दे स्टार्टेड टू लुक फॉर फूड बट दे कुड नॉट फाइंड एनीथिंग। उन्होंने स्टार्ट करा फूड को सर्च करना लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। वी विल डाई ऑफ हंगर इन दिस डार्क फॉरेस्ट, हम लोग मर जाएंगे इस घने फॉरेस्ट के अंदर, सतीश बोला। वी मस्ट गो बैक होम, हमें घर चलना चाहिए। दे सॉ मैनी फ्यूरियस एनिमल, उन्हें बहुत ज्यादा फ्यूरियस एनिमल दिखाई दिए। दे केम बैक इनटू द एरोप्लेन, वो तुरंत एरोप्लेन के अंदर आए। नाउ आई विश टू गेट बैक टू आर होम, अब हमें चाहिए कि हम लोग घर चले जाएं, सेड श्वेता। एंड सून दे रीच्ड बैक नियर द रिवर साइड नियर देयर होम, और वो जल्द ही घर की तरफ रिवर के किनारे पहुंच गए। हाउ वी हैव वेस्टेड आवर विशेस, कैसे हम लोगों ने हमारी तीनों विशेस वेस्ट कर दी, सतीश बोला। एज दे वर टॉकिंग ईच अदर, जबकि वो आपस में दोनों बात कर रहे थे, फेरी अपीयर्ड अगेन, फेरी वहां पर वापस आई। चिल्ड्रन हु क्वेरल, चिल्ड्रन जो लड़ते हैं, ऑलवेज डू स्टूपिड थिंग एंड गेट नथिंग इवन एनी अपॉर्चुनिटी इज गिवन ऑफ देम। जो बच्चे लड़ते हैं उनके पास वो बहुत ज्यादा स्टूपिड चीज करते हैं और उनके पास कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं आती है। यू हैव वेस्टेड योर विशेस, तुम लोगों ने अपनी विशेस जो हैं वेस्ट कर दी। यू आर सिली चिल्ड्रन, तुम बहुत ज्यादा मूर्ख बच्चे हो। वी आर सॉरी, वी हैव लर्नड अ लेसन, हम तुमसे माफी मांगते हैं, हम लोगों ने एक लेसन सीखा है आज। बोथ ऑफ देम सैड टुगेदर, दोनों ने आपस में मिलके बोला। द चिल्ड्रन वर वेरी सैड, जो चिल्ड्रंस थे वो बहुत ज्यादा उदास हो गए। वी शाल नेवर क्वारल अगेन, हम लोग
कभी भी नहीं लड़ेंगे आगे से, सैड सतीश विथ टीयर्स इन हिज आईज, सतीश बोला अपनी रोते हुए आंखों के साथ। देन द फेरी गेव देम टॉयज एज अ गिफ्ट एंड डिसअपीयर्ड, फिर उसके बाद फेरी ने उन लोग बच्चों को टॉयज और गिफ्ट दिए और वो वहां से चली गई। देखे बच्चों, ये जो ये कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स थे, ठीक है, जिसके बारे में आप लोगों को यहाँ पर दे रखा है आर्ग्यू, मतलब डिस्कस करना या फिर बहस करना। सिली मतलब होता है स्टूपिड, प्लीडेड मतलब होता है टू अग्री सहमति के साथ, एक्साइटेड मतलब होता है टू स्टिर अप, फ्रिशियस फ्रिकशियस मतलब होता है वाइल्ड जंगली, एक्सेप्ट मतलब होता है टू लीव आउट, और आर्ग्यूमेंट मतलब होता है डिबेट। तो आज हमारा ये चैप्टर सेकेंड चैप्टर भी खत्म हो गया, और इसके बाद हम लोग करेंगे नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है। तब तक के लिए आप मेरे वीडियोस को लाइक करिए, कमेंट करिए, और जो भी आपको वीडियो पसंद आए तो उसको शेयर करिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।